सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
त्रैलोक्यत्राण सहित नारायणे नमस्तुते। जलेतने महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चंद्र नारायणे नमस्तुते। शिवधूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले गौररूपे महारावे नारायणे नमस्तुते। दशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमदने नारायणे नमस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्ये सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणे नमस्तुते। मेदे सरस्वती वरे भूति पाप्रभितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमस्तुते। सरस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैरस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचन त्रयभूषितं पातुनः सर्वभीतेभ्यः कात्यायने नमस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अजेशासुरसूधनम् त्रिशूलम् पातु नो वीतिर्भद्रकाले नमस्तुते। इनश्रीदत्यदेयाञ्जे स्वनेनापूरिया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानिव असुराश्रिग्रसा पङ्कचर्चितश्रेकरज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नदाभयम्। रोगानशेषाणपहासि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। एतात्त्वितं जात्करणां प्रयाद्य धर्मादिशां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेतत् प्रकरोति कन्या विद्याशु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च कात्वधन्या ममात्वगरते महान्धकारे विभ्रामयते तदेव विश्वं रक्षांसि यत्राग्रविशाशनाग यत्रारयोदसुबलानि यत्र दावानलोजत्र तथाब्धिमध्ये तत्रास्थिता त्वां परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वां परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशभण्ड्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि वक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोरवीते नित्यं जरा सुर्वदा ददुनेव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताशु महोपसर्ग प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिते लोकानां वरदा भव। देभ्योवाच वरदाहं सुरगणां भरं जनमनधेशत तं ऋणद्धं प्रयच्छामि जगदापकारकं। देवाहूचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भरि विनाशनम्। देभ्योवाच देवस्वजन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भविशुम्भ चैवान्य उत्पत्स्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तोनाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोत्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यहनिष्यामि मे प्रचित्तान् सुधानवान् वक्षयन्त्या च तानुभ्यां विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढमेकुसमोपमा सदा मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिका
सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगृह के अंदर माँ विभूति की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी कर्वद माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका क्षफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन ने मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युत्तम समं प्रभाते कन्या भी कर भाल प्रवेश
संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तये तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते साजाजिता च विज्ञानं तुष्टा सिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं भवेत् सकलं ब्रह्माण्डं मण्डलेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शिवकाले महामारी सेवशिष्यभवत्या स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले मृणाल सेवलक्ष्मीवृद्धिप्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायो प्रजायते सुधा सम्बोधिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तदा ददादिवित्तं पुत्रा च पतिं धर्मे गतिं शुभाम् अत्सद्यकुञ्जिकास्तोत्रे शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं न जलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यणं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचणं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं भवेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानाम विदुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनेयमपार्वति मारणं मोहनं वश्यं सम्भनोचाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं सं घट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केतवहालिन्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्वे ऋङ्कारे सृष्टिरूपाय ऋङ्कारे प्रतिपालिका ऋङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च जयकाली वरदायिनि दिक्षे च वयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि गां ह्रीं धूं धूर्जले पतनि गां ह्रीं भूं भागधीश्वरि क्रां ह्रीं क्रों कालिका देवी शां ह्रीं श्रों मे शुभं कुरु हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 भनाधनि ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पञ्जं चं भीं दुं ऐं भीं हं चं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ह्रां भीं भुं पार्वती पूर्णा ह्रां ह्रीं ह्रों खेचरी तथा सां ह्रीं सुं सप्तचती दिव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजाग्रति हेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनं यदा अथ दुर्गापद्धरस्तु नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्याधिदेवेश्वरूपे नमस्ते जगद्भक्तपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीप्राहिदुर्गे नमस्ते जगत्प्रमाणस्वरूपे
Thank you.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा इस समय अभक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ भगवती के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का अभक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ की आरती होती है, माँ की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी अपने रूप बदल करके माँ की आरती उपस्थित होते ही माँ का स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। इस परम पवित्र वेला में जो भी भक्तजन जिस भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती उसी रोशन की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उन भक्तों की समस्त मनोवांछित कामना जो है वह पूर्ण होती है। माँ भगवती आदिशक्ति
इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान है, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तजन माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस माँ जगजननी जगत माता के पिंडी के रूप में दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ का दरबार जो है जो वास्तव में कल्प वृक्ष है, जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ करके जो भी कामना की जाती है वैसा मनोरथ पूर्ण होते ही, उसी प्रकार से माँ के दरबार में माँ के चरण में बैठ करके जो भी भक्तजन जिस भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं, जो भी अपनी मनोकामना माँ के सामने रखते हैं, माँ भगवती उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करती है, उन्हें आशीर्वाद देती है। उस माँ जगजन्य के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य हैं वह सिद्ध होते हैं, उनके सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और वह सब ओर से भक्तजन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती आदिशक्ति इस गुहा के अंदर माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती जो तीन पिंडी गुरु में विराजमान है, माँ भगवती के जो मूल आधार है, मूल जड़ से एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गए, तीन स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन है वह पिंडी गुरु में है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। माता महाकाली जिस शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, निरोगी जीवन देती है, शत्रु विजय दिलाती है, हर स्थान पर देश विदेश में अंग संग ये माँ भगवती महाकाली रक्षा करती है। महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जो है ये शरणागत भक्तों को धनलक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार वृद्धि करती है, कार्य में सिद्धि प्रदान करती है, सर्वत्र जो है भक्तों का मंगल मंगल करती है, धन लक्ष्य का वरदान देती है। माता महा सरस्वती जिस शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इस प्रकार से जिन भक्तों पर इन तीनों देवियों की, इन तीनों शक्तियों की कृपा हो जाती है, इन तीनों देवियों का, इन तीनों माताओं का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, किसी प्रकार का न्यूनतम रहते जीवन में, जो भी उनकी कामना होती है माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनके सब कार्य जो है सिद्ध होते हैं। और इस संसार में समस्त सुखों का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए उनका परलोक भी कल्याण हो जाता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना अवश्य करनी चाहिए। जे माँ कल्याणमयी, जे कल्याण को देने वाली ही, मंगलमयी सब ओर से जी मंगल को करने वाली ही, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिकी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ से भक्त जिन प्रार्थना करते कि नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, मंगल को देने वाली हो, मंगल करने वाली हो, कल्याण दायिनी शिवा हो, सब पुरुषों सिद्ध करने वाली शरण वत्सलाते नेत्रों वाली एवं गोरी हो, हे नारायणी आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। माँ हम भक्तों का आप कल्याण करें, हम भक्तों के कष्टों को दुखों को दूर कर करके सब ओर से हम भक्तों का मंगल ही मंगल करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देवी की पूजा शक्ति की उपासना जो है सब ओर से ये रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं देव श्री नारद जी को कि नारद सब युग में धर्म ध्वज और कुश ध्वज जो है ये दो राजा हुए, दो नरेश थे, बड़े शक्तिशाली थे, राज्य चला गया तो कहते कुछ समय माँ भगवती आदि शक्ति की उन्होंने उपासना की, माँ जगदम्बा को प्रसन्न किया, माँ की साधना की, माँ को प्रसन्न किया और जो उनकी मनोकामना थी कि हमें राज्य की प्राप्ति हो जाए,
तो माँ की कृपा से उन दोनों के मनोरथ जो थे वे पूर्ण हुए, उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से माँ की भक्ति करते, माँ की उपासना जो है करते हुए जो है उनके सब मनोरथ जो है वह संपन्न हुए, और इस प्रकार से उन दोनों को जो है पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। उनके मन में जो है धार्मिक भावना जो थी उत्पन्न हो चुकी थी कि जब साधक का कोई कार्य सिद्ध होता है तो उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। ऐसे इन दोनों राजाओं की जो है यह माँ भगवती के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि उन्होंने माँ की भक्ति छोड़ी नहीं। कहते हैं जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गृहस्थ में माँ की अतिशय भक्ति होती, जिस घर में माँ की जोश जगती है तो वहां पर कभी ना कभी माँ की कृपा होती है, जो भगवती किसी न किसी रूप में जो है उस घर में जन्म लेती है, अवतार लेती है। राय कुशदस जो है इनकी पत्नी का नाम था मालावती। इनके घर में जो है कहते कुशदस के घर में कन्या हुई, पुत्र का जन्म हुआ। कहते हैं बड़ी अद्भुत बालिका, जब जन्म हुआ तो कहते कि जन्म होते ही इसने सूत्र ग्रह से बाहर आकर के स्नान किया और वेद मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे विद्वानों ने जो है उसका नाम जो था वेदवती रख दिया। वह वेदवती जो है कहते जन्म होते ही जब स्नान किया, वेद मंत्र का उच्चारण किया, उसके उपरांत जो है वह उस घर से जो गृह से जो है वह वन की ओर उसने प्रस्थान कर दिया, वन की ओर चल पड़ी तब करने के लिए। इस प्रकार से वह वन में चली गई और वह कन्या जो है एक मन्वंतर तक जो है पुष्कर क्षेत्र में तप करती रही। बड़ी घोर तपस्या की उसने और ऐसा तप किया, और तप करते हुए उसके मुखमंडल का, उसके शरीर का तेज जो था वह वन को ही प्रकाशित करता था। उनके शरीर में जब तेज में किसी प्रकार न्यूनता नहीं आई कि तप किया, कभी कुछ खाती पीती नहीं थी तो भी जो है उसका शरीर जो बिल्कुल ठीक हृष्टपुष्ट था। और ऐसी घोर तपस्या की जिसकी तपस्या से देह प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई इस जन्म में नहीं अगले जन्म में जो है भगवान हरि अर्थात भगवान विष्णु जो है आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। ये आकाशवाणी जो है उस भेदवती ने जो उस वन में सुनी। पुष्कर क्षेत्र में जो है वह जो तप करती थी वहां पर जब तपस्या से देव प्रसन्न होगी, आकाशवाणी हुई कि आपको दूसरे जन्म में जो है भगवान हरि भगवान विष्णु जो है आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। उसके बाद जो है वह वेदवती जो थी वहां से गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहां जाकर के और अधिक जो है तप करना प्रारंभ कर दिया, और वहां जाकर के बड़ी घोर तपस्या की जो कथा श्रीमद्देवी भागवत की जो मैं आपको बतला रहा हूं, और वहां जाकर गंधमादन पर्वत पर बड़ी कठिन तपस्या उन्होंने की और अधिक तप किया, उत्तर श्रद्धा उनकी बढ़ती गई और वहां पर रहते रहते तब करते हुए जो है कहते हैं कि एक बार इनको रावण जो है रावण जो दृष्टिगोचर हुए, रावण वहां पर आए तब जो है जो शिष्टाचार होता अतिथि सत्कार जो है वेदवती ने जो है उनका अतिथि सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया अर्थात पाद्य अर्घ सब दिया बिठाया, और जो कंदमूल फल थे उनके द्वारा जो उनकी सेवा की, शीतल जल जो उनको पिलाया। उसके बाद जो है रावण से पूछा कि आप कौन है, जब किसलिए तप करती हो। उसके रूप पर जो है कहते हैं कि रावण जो था उसकी बुद्धि विकृति आ गई, विकृति जब विकृति आई तो कहते हैं कि रावण जैसे उसके सामने जो है आगे बढ़ने लगा उसे देखते हुए जो है तो वेदवती ने अपने तपोबल से उसको वहीं पर स्तब्ध कर दिया, ना तो उसके पैर आगे बढ़ पाए और ना ही हाथ और ना ही मुख से कुछ बोल पाया, अपने तपोबल इस प्रकार से उसको स्तब्ध कर दिया और वहीं एक ही स्थान पर ऐसे रुक गया कुछ बोल नहीं पाया।
कहते हैं कि भेदवती ने उस समय रावण से कहा, आपने मणि मन जो है मुझे काम भाव से आपने स्पर्श कर लिया है, मैं आपको शाप देती हूं, मैं आपको शाप देती हूं कि मेरे ही कारण जो है तो अपने भाई और कुटुंबियों के साथ काल का ग्रास बनेगा मेरे कारण, अब मैं आपको अपना तपोबल दिखलाती हूं। तो कहते अपने योग द्वारा भेदवती ने वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद रावण ने भेदवती को शरीर को उठाया और गंगा में ही डाल दिया। और रावण वहां से प्रस्थान किया अपने नगर की ओर, लंका की ओर, जो ही ये बात सतयुग की है। कहते वहां पर उसने जो है जब प्रस्थान किया और रास्ते में जो है विचार करते हो जा रहा है, ये कैसी घटना घटित होगी, ये क्या हुआ, ये देवी कौन थी, ये सब क्या हुआ कालांतर जो है। कहते फिर जिस सतयुग के बाद जो है फिर त्रेता में यही भेदवती जो थी राजा जनक के घर सीता के रूप में प्रकट हुई। बोले सच्चे दरबार की जय। सतयुग में जे भेदवती ही जे शक्ति का अवतार थी, लक्ष्मी का अवतार थी। और जो है फिर त्रेता में जो है जिस समय राजा जनक जो है खेत में हल चला रहे थे तो हल के नोक के अग्रभाग से जो है पृथ्वी से इनका प्रादुर्भाव हुआ, माँ के गर्भ से प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। तो हल के अग्रभाग को सीता कहते हैं, तो उसका नाम सीता रख दिया। तो वह ही कहते हैं कि त्रेता में राज जन के जहां जिस सीता के रूप में प्रकट हुए और भगवान श्री राम जो हरि का ही अवतार थे वह उनको पति रूप में प्राप्त हुए। उसके बाद 14 वर्ष का वनवास, वनवास काल में जो है अब जो है कहते हैं रावण ने छल कर करके सीता का हरण किया। परंतु सीता का हरण करने से पहले ब्राह्मण के वेश में अग्निदेव भगवान श्री राम को मिले एकांत में। उस समय ना सीता वहां पर थी और ना ही लक्ष्मण। तब कहते कि उस समय अग्निदेव ने कहा कि मैं आया हूं ब्राह्मण के वेश में और देवता ने मुझे भेजा है कि अब यह सीता माता का हरण होगा, मैं अग्निदेव हूं, आप सीता को जो जैसे सीता जो है आप मुझे अग्निदेव को समर्पित कर दीजिए और शायर रूपी सीता जो है आपके साथ रहेगी। जे भेद जो है जे केवल मात्र अग्निदेव और जो है भगवान श्री राम को पता था, सीता को पता नहीं था। अब जो है तब जो भगवान श्री राम ने जो है सीता को जो है अग्निदेव को समर्पित कर दिया। शायर रूपी सीता जो थी ये उनके पास, जिस सीता का रावण ने हरण किया था वह असली सीता नहीं थी, छाया रूपी सीता थी। जिस श्रीमद्देवी भागवत इसका वर्णन आया है कि फिर जो है उसके बाद जो है सीता का हरण हुआ उस छाया रूपी सीता का, और जो है बाणों की सहायता से जो है भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया और परिवार सहित जो है अपने कुटुंबियों के साथ काल का ग्रास बना। और फिर जो है सीता की वहीं पर ही अग्नि परीक्षा हुई थी। उस अग्नि परीक्षा में अर्थात जो अग्नि परीक्षा की थी यही कारण था कि अग्निदेव ने पहले कहा जिस समय आप अग्नि परीक्षा लेंगे तो उस समय मैं आपको असली सीता आपको समर्पित कर दूंगा और बस छाया रूपी सीता जहां आ जाएगी। अग्नि परीक्षा हुई असली सीता राम के पास और तो छाया रूपी सीता जो है, अब उस समय छाया रूपी सीता ने जो है भगवान श्री राम और अग्निदेव से प्रार्थना की कि प्रभु अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो उस समय जो है भगवान ने कहा कि आप जो है गंधमांदर पर्वत पर चले जाइए और वहीं पर तप कीजिए, आपको जो है स्वर्ग की लक्ष्मी का जो है आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से फिर वह वहां से चली और तप करने के लिए चलेगी। उस छाया रूप ने तप किया, अब जो है सतयुग में भेदवती, त्रेता में सीता और उसके उपरांत जो है वही छाया रूपी जो सीता जो थी जो तप कर रही थी और उसका जन्म जो था फिर कहाँ हुआ, ध्रुवत के घर यज्ञ में यज्ञ चल रहा था, जो यज्ञ की वेदी से यज्ञ कुंड से जो है द्रौपदी का प्रादुर्भाव हुआ।
उसका द्रौपदी का जो है, द्रौपदी की जो पुत्री कहलाई है जो छाया रूपी सीता थी, ये तीसरा जन्म। इसका भी जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ है, अग्नि से जो प्रकट हुई थी, और उसके प्राण जो है जय द्रौपदी है, बोले सच्चे दरबार की जय। तो सतमे युग के तीन जन्म जो थे, सतयुग में भेगवती, त्रेता में सीता और द्वापर में द्रौपदी। इस प्रकार से जय प्रथम जय राजा के पुत्र राजा कुशध्वज के घर में इसी मां भगवती आदि शक्ति ने जो अवतार लिया था, कन्या को प्रकट हुई तब किया, और तब करने का प्राण जो है जी जो जन्म हुए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि जिस घर में, जिस गृहस्थ में, जिसके जीवन में जो है इस मां भगवती की आराधना, मां के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, हृदय में उसके प्रति भक्ति है, जो उसकी भक्ति करते हैं उन पर सदा सर्वदा कृपा बनी रहती है। मां की कृपा से उन भक्तों की कीर्ति जो है अटल बनी रहती है। आज भी राजा कुशध्वज का जो है और धर्म ध्वज है, इनका नाम जो है पुराणों में, इतिहास में जो मिलता है, जिनने इस प्रकार से शक्ति की उपासना कर करके सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति की, जबकि वह संकट में थे, विपत्ति में थे, माँ के शरण को धोकर के जब उन्हें साधना की, माँ की उन पर कृपा हुई, माँ उन पर प्रसन्न हुई और सब प्रकार के रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त हुई, उनके घर में माँ ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए बेटी को कहा है कि जिस घर में बेटी है, बेटी को लक्ष्मी का रूप माना गया, भगवती का ही रूप जो है, और जिस घर में, क्योंकि माँ कहते हैं जय भगवती आदि शक्ति प्रत्येक घर में विद्यमान है तीन रूप में, एक तो माँ के रूप में, दूसरा बेटी के रूप में, तीसरा बहू के रूप में। और जिस घर में माँ बेटी और बहू का मान सम्मान है, उस घर में जो भगवती स्वयं लक्ष्मी विराजमान होकर के अवधों को देती है, उन्नति देती है, सुख देती है, शांति देती है। और जिस घर में इसके विपरीत है कि जहां पर जो है माँ बेटी बहू का मान सम्मान नहीं है, उस घर में क्या, उस गृहस्थ में क्या है, कलेश है, कला है, दुख है, अशांति है, कोई बरकत नहीं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है इस माँ की आराधना, और जो है घर गृहस्थ में जो प्रतिदिन माँ की जोत जगाएं, प्रातःकाल सायंकाल माँ की आरती करें, और अपने बड़ों का सबका मान सम्मान करें, क्योंकि ये शरीर जो उसी का दिया हुआ है, और ये कब तक है इसका पता नहीं, इसलिए जीवन रहते हुए जो है अपना कल्याण कर ले, क्योंकि यही शरीर ही एक माध्यम है, शरीर एक माध्यम है, यही एक साधन है, जिसके द्वारा ये साधक जो सत्कर्म कर करके अपना यही लोग और परलोक सुधार सकता है। जो तभी संभव होते हैं जब देव कृपा, भगवती कृपा होती है, तो माँ की कृपा जो है, माँ भगवती का जो नाम जप करते हैं, माँ की साधना करते हैं, माँ की उन पर कृपा होती है, और उनका जीवन जब मंगलमय हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी जय माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। ये मंत्र जो है ये परम शक्तिशाली मंत्र है, और सब प्रकार के रिद्धि सिद्धि को देने वाला है, साक्षात माँ भगवती का रूप है। मंत्र आप कोई भी ले लीजिए, और जब उस मंत्र के द्वारा आप साधना करते हैं, बार उस मंत्र का जप करते हैं, वह मंत्र सिद्ध होते हैं। जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तब वह भक्त जो भी उसके मन में विचार आते हैं, जो उनकी कामना होती है मन की जो है, वह सब पूर्ण होना शुरू हो जाती है। इसलिए अतिशय जप, उस भगवती के प्रति श्रद्धा, भक्ति, अतिशय प्रेम जो है, तो इस प्रकार से चलते फिरते उड़ते बैठते माँ का स्मरण करना और इस मंत्र का जप करना, प्रातःकाल सायंकाल माँ की जोत जगाना, माँ की आरती करना, परिवार एकत्रित होकर के और माँ से क्षमा प्रार्थना करना, किसी प्रकार से हमसे जाने जाने में कोई पाप हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो, तो माँ में क्षमा करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। परिवार में यदि बच्चा कोई बात बांटता नहीं, जब पति पत्नी में कोई क्लेश है, कोई कला है, तो भी शास्त्र में कहा है कि माँ से प्रार्थना करें। पति में कोई अवगुण है तो माँ से प्रार्थना करें, माँ कृपा करेगी, आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप उसमें ऐसा सद्ज्ञान आएगा कि
जो भी उसमें अवगुण है वो उसका अपने आप त्याग कर देगा। ऐसे पुत्र बात नहीं मानते हैं, कई बार कहते हैं इसलिए डांटने की जरूरत नहीं, माँ से प्रार्थना करें, प्रतिदिन जो जगाएं और माँ से प्रार्थना करें, माँ इसे सद्बुद्धि देना, क्योंकि जिन भक्तों को माँ की कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है, सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उनका कभी कहीं अमंगल नहीं होता, उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक निर्णय करती है, और बुद्धि के अधिष्ठाते देवी जय भगवती माँ सरस्वती। जो तीनों देवी यहाँ पर, जो तीनों शक्ति यहाँ पर बैठी हुई हैं पिंडिक रूप में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो इस मंत्र का जप करने से, जो मूल मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का जप करने से और माँ के दरबार में आकर के इस तीन देवी पिंडिक रूप में दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है, और जिन पर इन तीनों शक्तियों की जिन्हें प्राप्त हो जाती है उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की न्यूनता की कमी रहती नहीं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। सच्चिद्रहारि की तभी भजन की वेला है। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जिस माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री श्री जी। जय करा मेरी शरण वाली मैं अभिदय, बोल सच्चे दरबार के जय, तेरी मर्जी बिना कोई भी माँ तेरे दर तक आ नहीं सकदा, मजनू तेरा बुलावाया जावे ओनू कोई रोक नहीं सकदा, जगदम्बे मां दे दर मैं आया ना हुंदा, जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा, जे बुलावा मैया दा मैं आया ना हुंदा, हो जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा, जे बुलावा मैया दा मैं आया ना हुंदा, हो जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा, जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा, जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा, ओ जे बुलावा मैया की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज समय पर माँ भगवती हाँ भक्तों के हाजिर नमस्कार करे, आपके झोलिए भरे, आपके मराध्य भरे करे, आपका जीवन विश्व से भक्त करे, तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जांदे, तेरे दर्शन पाके मैया सारे संकट मिट जांदे, ओ तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जांदे, तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जांदे, ओ इक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जांदे, एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जांदे, एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जांदे, एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जांदे, इस रहमत दा मेरे उत्ते साया न हुंदा, जे बुलावा
ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਮਾਂ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਮਾਂ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਮਾਂ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਮਾਂ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਚਰਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਂਦੀ। ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਚਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਂਦੀ, ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਚਰਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਂਦੀ। ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਂਦੀ। ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇਂਦੀ। ਜਦ ਮਈਆ ਦਾ ਸਪਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਮਈਆ ਦਾ ਸਪਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜਾਏ ਤੁਮਨੇ ਖੁਸ਼ਪੁਰ ਸੁਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ। ਘਰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸੇ ਭਰ ਦੇ, ਐ ਮਾਂ ਕਰੂੰ ਬਿਨਤੀ ਤੁਝਸੇ, ਘਰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸੇ ਭਰ ਦੇ। ਕਰੋ ਬਿਨਤੀ ਤੁਝਸੇ, ਘਰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸੇ ਭਰ ਦੇ।
नारायणी
की जय। जयकारा शेर बलिदार ढोल सके दरबार की जय। जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार ना टूटे। जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार ना छूटे। माँ जग रूठे पर मेरी माँ ना रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार ना छूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार ना छूटे। जय जय मामा, जय जय मामा मेरी माँ, जय जय मामा, जय जय मामा, जय जय मेरी माँ, जय जय मामा, जय जय मामा, जय जय मामा मेरी माँ, जय जय मामा, जय जय मामा, जय जय मामा मेरी माँ, जय जय मामा। एक तेरे भरोसे पर मैंने, एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, अपनी ये नाव चलाई है। एक तेरे भरोसे पर मैंने, एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, अपनी ये नाव चलाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, लाखों तूफान मेरी नाव ने मंजिल पाई है, लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, लाखों तूफान लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, मेरी नाव ने मंजिल पाई है। हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे, ओ हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। जय जय मामा, जय जय मामा मेरी मामा, जय जय मामा, जय जय मामा, जय जय मामा मेरी मामा, जय जय मामा, जय जय मामा, जय जय मामा मेरी मामा, जय जय मामा। Mama
जब जब भी ठोकर खाकर मैं जब जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ चलते चलते गिर जाता हूँ जब जब भी ठोकर खाकर मैं जब जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ चलते चलते गिर जाता हूँ उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे ओ तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे ओ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे जय जय माँ 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 जय जय तमन्ना जीवन की बस एक तमन्ना जीवन की हर जन्म में तेरा साथ मिले हर जन्म में तेरा साथ मिले ओ बस एक तमन्ना जीवन की बस एक तमन्ना जीवन की हर जन्म में तेरा साथ मिले हर जन्म में तेरा साथ मिले हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले हर हाल में मैं खुश रह लूंगा कर मैया तेरा एक प्यार मिले कर मैया तेरा एक प्यार मिले माँ के नाम की मस्त वाला लुटे माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे 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 माँ तेरा दरबार न छूटे मेरे चिरे मेरे चंद्र भंगे नेत्र सर जत कुछ मोल रमेर भुजे सधगते शिव शक्ति रूप कामेश्वर हृदय भुज मृदे वाली माता तेरी सदा ही जय
माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में, आपके घर गृहस्थ में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तर उन्नतशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव, संतति भाने भव, श्रीमान ससुर भव, प्रज्ञा भाने भव, भूर्भुवः करणे धाने तनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, भैरवदलने व्यापार दक्ष भव, श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भव, मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ, शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्रेणाम देशो, शरीरवर्चस्व आयुष्मारोग्यमाविदात्, शुभमानमहीयते, धनं धान्यं, पशुं बहुपुत्रलाभं, सत्संवत्सरं दीर्घमायुः, अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, समय से बोलना चालू जाते हुए। ओम जय 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 गौरी।
पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। तो बोलिए ओम देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया
रूपेण संस्थिता दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः दुर्गा माता की जय लक्ष्मी माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय धारिणी तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आगे ही इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे। अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे, शामिल करके बोलना। सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। मेरे कार्य करो हमेश जय माँ आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आख दहर चो सतगुरी जो चरना धा ध्यान जय Thank you.
भगं चक्रवरेश जापरं चोरं बसन्निचिदा संघं सर्वांगभूषाभिधानेना शमद्विमासपादशिकां सेवे महाकालिकां जामस्तं सविदेहरौ कमलजं हन्तं मधुकेतवम् अक्षासर्पर्शं कलेशकुलशं पद्मन्दनुष्कुण्डिकां गण्डं शक्तिमशिन्नचर्मजलजं घण्टासुरावाजनम् शूलं पादसुदर्शने सुदरते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे घण्टाशूलहलालितङ्कमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताङ्गलाङ्गविलसं सीता चतुर्याप्रभां गौरीदेवसमुद्भवां विजगतां पूर्वामत्तसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यारुणी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्यादयिनं त्वमेव सर्वं महदेव देव शान्ताकारं वज्रशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णो भगवन् सर्वलोकैकनाथम् अर्चितं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं शिवानन्दं हरे मुरारे मुदगे दुलारे गोविन्द गोपालमर्दन किशोरे ज्ञानं पदेहि शरणं पदेहि विद्यापदेहि भगवन् नमोऽस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करण वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा गुनाह चुका माफ करण वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करण वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधरी जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जनों को मकान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, जकारा शरण वाली दा जय जय।